तो देख सकते हैं ये कैसा एक ऐसी परिस्थिति में है ये सांप, जहाँ पर हम इसको निकालने में हमको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर ये थोड़ा सा अंदर अगर चला गया तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको निकालना। अगर इसमें जगह है तो वो अंदर जाने का, तो चल जाएगा, तो फिर हम इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा निकालना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये इसका पैटर्न से जैसे प्रतीत होता है, ये स्पेक्टल कोबरा है, यानी कि भारत देश का सबसे जहरीला सांपों में से एक। तो चलिए अच्छा फिलहाल भाई, हम ऐसा अपना है क्या? जो 100% देते हैं उसको हम कोशिश करके देखते हैं निकालने का। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने सांप को रेस्क्यू किया है। अगर थोड़ा सा भी अंदर में जगह रहता तो हम इसको निकाल नहीं पाते, और घर वाले काफ़ी परेशान थे क्योंकि ये इधर से आया, इन लोगों को मालूम नहीं, और अंदर में बहुत सारे चूहा चूहा के बच्चे भी थे। इसलिए सांप जहाँ चूहा रहता है, मेढक आएगा वहाँ पर सांप आएगा। खास करके अभी इस बारिश का मौसम में आप अपने घर को आसपास में साफ़ सुथरा रखिए, ताकि इसमें चूहा ना आए, और चूहा ना ही आएगा तो सांप नहीं आएगा। तो इन्होंने हमें कॉल किया, कौन सा जगह है? कोलाडी हनुमान नगर, यहाँ से हमें रेस्क्यू कॉल आया और हमने रेस्क्यू भी किया। अब देख सकते हैं भारत देश का सबसे जहरीला सांपों में से एक है, और हमें सेफ्टी ग्लव्स यूज़ करना पड़ा क्योंकि ऐसा जगह में था और जहाँ इसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो फाइनली हमने इसको रेस्क्यू किया है, और अभी इसको पैक करके हम पर्यावरण में रिलीज करेंगे। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी का सब्सक्राइब और सपोर्ट के वजह से जो हम इस बचपन को बचा पाते हैं, साथ कभी मारेंगे। धन्यवाद, इसको अभी हम पैक करेंगे। थैंक यू।